तो आगे तब आज हम पॉलीनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दिखाई थी, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूला दिखाया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आखिर में मैंने एक फॉर्मूला और दिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी एमएसी वाला, उसके मैंने दो डिफरेंट केसेस लिए थे। और उसको मैंने कहा था कि थोड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो उसको थोड़ा ध्यान से देने, क्योंकि उसमें बहुत सी बार ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अपने बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। ठीक, तो लास्ट टाइम मैंने एक एप्लीकेशन भी दिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आज की क्लास में हम वही बात करने वाले हैं कि अल्फा की पावर समथिंग, बीटा की पावर समथिंग के एक्सप्रेशन को मैं कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो आज की क्लास में हमारा पूरा यही रहेगा कि किस तरीके से इन एक्सप्रेशन को सोल्व किया जाता है। तो आज का हमारा हेडिंग है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ जीरोस। ठीक, तो हमारा हेडिंग है आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ जीरोस। सिमेट्रिक क्यों बोलेगा? सिमेट्रिक मतलब होता है कि अगर तुम, जैसे मैं बोलूं ए और बी एक सिमेट्रिक से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप ए को बी से रिप्लेस कर दो और बी को ए से रिप्लेस कर दो तो मेरे रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो वो बोला जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनको सिमेट्रिक बोला जाता है। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, देखो एक एक करके देखते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके हमने दो रूट्स देखे थे इजी 0, इसके मेरे पास दो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो यहां मेरे पास दो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, तो हमने इस एक्सप्रेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस बी अपॉन ए देखा था एंड अल्फा इंटू बीटा क्या देखा था हमने, सी अपॉन ए। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं उसके एक्सप्रेशन को देखकर सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इजीली निकाल सकता हूं। तो यहां से हमने देखा था। अब लेट्स सपोज मुझे और कोई इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाए, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो अगर इन एक्सप्रेशन को मैं इन दो की फॉर्म में लेकर आ सकूं तो मेरा वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि ये चीज मुझे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख के मैं निकाल सकता हूं। तो लेट्स सपोज अगर मुझे सबसे पहले बात करूं मैं, मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक, यानी मुझे निकालना अल्फा माइनस बीटा। अब ये निकालने के लिए इसको मुझे किसकी फॉर्म में लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे जितने भी मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा मेरा एम क्या रहेगा कि इस एक्सप्रेशन को मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लेके आऊंगा। अब ये कैसे निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, देखो किस तरीके से। लेट सपोज मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कुछ पी बोल दिया, तो पी है मेरे पास अल्फा माइनस बीटा। अब मेरा एम क्या, मुझे पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। यहां पे मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, पी का स्क्वायर निकाला, तो पी स्क्वायर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां मुझे इसको लेके आना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा तो है, यानी कि अब कहते ना कैसे अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इसको मैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चाहता हूं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, अगर इसमें प्लस टू ए बी कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया मैंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एड टू अल्फा बीटा एड किया, तो ये क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये कि मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास पी स्क्वायर जो आ गया वो आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस टू माइनस कितना हो गया माइनस फोर अल्फा बीटा। मेरा एम क्या था, पी निकालने के लिए, पी स्क्वायर मेरे पास आ चुका है तो इजीली पी निकाल सकता हूँ। पी क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो ये मेरे पास जो पी था वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ चुका है, यानी कि मेरे पास जो अल्फा माइनस बीटा बचेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक। तो ये आया मेरा इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो इस तरीके से मैं हर एक का तुमको प्रूफ बताता रहूंगा और इसको बेसिकली रटना नहीं है, सिंपली धीरे धीरे याद हो जाता है। हर एक का मैं डेरिवेशन दिखाऊंगी इस तरीके से। सेकंड अगर मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो भी देखो इजी है। किस तरीके से यहां निकालते हैं, यानी कि अब मेरा एम है कि पी या मेरे पास हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब मुझे ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो यहां मुझे पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। अब यहां पे ऐसे अगर मैं ए को अल्फा और बी को बीटा पुट कर दूं तो यहां पे मेरे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इजी है, ए को मैंने अल्फा पुट कर देता हूं और बी को पुट कर देता हूं मैं बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यानी कि ये मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ चुका है, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, लेट सपोज में निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा और ए माइनस बी क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा मुझे पता है, ये ना मेरे पास, तो सिंपली ये मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक। यहां तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद अगर मुझे फोर्थ, मुझे अगर निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमने ये कल देखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो था मेरे पास, ये लिखाया था मैंने लास्ट क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला देखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, ठीक है। तो यहां भी अगर मैं ए को अल्फा पुट कर दूं और बी को बीटा पुट कर दूं, यहां पर अगर मैं ए को अल्फा और बी को बीटा पुट कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां सबको क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो बेसिकली जहां पे बीटा दिख रहा है वो माइनस बीटा पुट कर देते हैं। जैसे यहां भी अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो जहां प्लस है वहां माइनस, बी की जगह माइनस बी पुट कर देते हैं, तो ये भी मेरे पास माइनस, ठीक है, माइनस होगा प्लस और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा और ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहां से सबको क्लियर होगा, इजी है बिल्कुल ये। तो ये मेरे पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब तक हो चुके हैं। सिंपली मैंने क्या यूज किया, जो आइडेंटिटीज थी मेरे पास जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी उन्हीं का मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया, ठीक। सिमेट्रिक फंक्शन में दिखा तो क्या होता था, सिंपली हर एक एक्सप्रेशन को मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक। तो यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं डिग्री फोर के लिए कि अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर क्या होगा। तो नेक्स्ट है, अगर मुझे निकालना है अल्फा की पावर फोर माइनस बीटा की पावर फोर निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लो, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से दोनों एक्सप्रेशन अपन को पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी पता है, देखा था, एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी पता है, ये दोनों अपन ने जस्ट अभी इससे पहले लिखे हुए, तो ये कन्वर्ट हुआ। ऐसे मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना, ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन था अभी हमने देखा था क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा था। अब यहां पे क्या करो तुम, अल्फा को रिप्लेस कर दो अल्फा स्क्वायर से, ठीक है, यानी कि अगर तुम अल्फा को रिप्लेस कर दोगे अल्फा स्क्वायर से और बीटा को अगर रिप्लेस कर दोगे बीटा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा के पावर 4, ये हो जाएगा प्लस बीटा के पावर 4 इसी का स्क्वायर, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन हमको पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो ये वापस से मेरे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बेसिकली ये क्या लिखा होगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में पढ़ा हुआ है किस तरीके निकालना है, और ये भी मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो ये मेरे पास कुछ मैंने लिखा है, बाकी अदर्स कोई भी पूछा जाए तो उसको तुम आइडेंटिटी यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, किस फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा किस फॉर्म में, ठीक। तो बेसिकली सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद भी ना रहे तो सबका तरीका मैंने बताया हुआ किस तरीके से मैंने निकाले, तो प्रोसेस याद रखना किस तरीके से मैंने सबको डिराइव किया है, तुमको क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक। चलो अब इसके बेस्ट पूछे क्वेश्चंस करते हैं। इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए पार्ट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बी पार्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक, सी पार्ट अल्फा माइनस बीटा, डी पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड ई पार्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये सब मुझे निकालना है, मुझे बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये सब वैल्यूज मुझे निकालनी है, और अल्फा बीटा मुझे क्या बोलना है, इसके रूट्स बोले हुए। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक। तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या दिए मुझे, अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पर मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने सबको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर वीडियो को पॉज करना होता है, वीडियो को पॉज करने के बाद पहले उसका सोल्यूशन आप लोग खुद से करोगे, फिर खुद से सोल्यूशन करने के बाद उससे सोल्यूशन कर लोगे, फिर वीडियो वापस स्टार्ट करके सोल्यूशन अपना चेक करोगे, ठीक है। तो यहां पर अल्फा बीटा इसके रूट दिए हुए मुझे, तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालना मुझे, ए पार्ट में अल्फा प्लस बीटा, वो सिंपली मुझे पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना है यहां पर मेरे पास 1 और ए कितना मेरे पास 1, तो सिंपली क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस 1, ठीक है। यहां पर अगर कंपेयर करेंगे
तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और सी इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फा बीटा कितना हो गया मेरे पास -1। ठीक, ऐसे अगर बी पार्ट की बात करें, बी में पूछा मुझे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे पास सिंपली सी बाई ए, तो सी कितना मेरे पास -10 और ए कितना है 1, तो कितना हो गया मेरे पास -10। ठीक है, सी पार्ट में मुझे पूछा है अल्फा माइनस बीटा, तो अभी जैसे हमने अल्फा माइनस बीटा का डेरिवेशन किया था तो वहां पे क्या था मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अभी जैसे हमने लिखा था कि अल्फा और बीटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास -1, तो ये बनेगा मेरे पास -1 का स्क्वायर -4, अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास -10, तो सिंपली कितना हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा +40, तो आंसर जो है मेरे पास √41। ठीक, सी पार्ट हो चुका, फिर मुझे पूछा उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो डी पार्ट है मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ क्या निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास -1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास -10, तो -10 कितना हो गया 1 + 20 यानी कि 21, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 21। ठीक है, फिर मुझे पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब ये एक्सप्रेशन तो मैंने लिखा है नहीं उसमें, जो मैंने जस्ट इससे पहले एक्सप्रेशन लिखा रहे थे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ये चीज मुझे निकालनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्हीं का यूज होगा किसी का। ठीक है, तो मुझे वह निकालना है, तो सिंपली देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि मैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा किस तरीके से निकालू। ठीक, अब मैं ये चाहूंगा मेरा एम क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा किसकी फॉर्म में आ जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा मुझे पता नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, तो मैंने एलसीएम क्या लिया यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा कैंसिल किया, क्या बचेगा मेरे पास बीटा स्क्वायर। तो सिंपली ये मेरे पास क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, अब ये मुझे पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहां पर है मेरा, ये रहा अल्फा इंटू बीटा है मुझे पता है, तो सिंपली अल्फा बीटा स्क्वायर क्या है मेरे पास 21 और अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास -10, तो सिंपली मेरे पास आंसर कितना हो गया -21/10। ठीक, तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा का कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो उसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल सबको क्लियर होगा ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू पार्टी का यूज करके ये सारी वैल्यूज निकाली है। एक मेथड ये भी हो सकता है इसके रूट निकाल लो, बट इसके रूट निकालना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, रूट निकल जाए तो सीधे मुझे अल्फा बीटा मिल गया, फिर तो क्या इजीली कुछ भी कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर रूट ना निकले तो ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन है 3t² - 6t + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2
वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस टू वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा, ठीक। तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको सोल्व करने का मेरे पास सिंपली वही मेथड रहेगा, क्या हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा पर बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या है मेरे पास, अल्फा बीटा। तो यहां से अगर मैं अल्फा बीटा निकालू तो सबसे पहले ए कितना आएगा कंपेयर करने पे, थ्री, बी कितना होगा माइनस सिक्स, और सी कितना होगा मेरे पास फोर। तो यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना मेरे पास माइनस सिक्स, तो सिंपली क्या बन जाएगा सिक्स बाय थ्री यानी कि टू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरे पास टू। ऐसे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकाले तो वो होता है मेरे पास सी बाय ए, सी कितना मेरे पास फोर और ए कितना थ्री, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा मेरे पास फोर बाय थ्री। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो तो यहां पे एक्सप्रेशन है मेरे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मुझे डायरेक्टली पता है यहां से, अब मुझे यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरा एम क्या होता है, किसमें लेके आना होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो यहां मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है इसका अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा बीटा इसके एलसीएम तो ऊपर क्या बनेगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहां पे प्लस टू, यहां पे मैंने एलसीएम क्या लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहां पे एलसीएम लेने पे ऊपर भी क्या बन जाएगा सिंपली अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो यहां से बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा मेरे पास एज इट इज आ गया, ठीक। अब ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है। अब ये मेरे पास बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मुझे कन्वर्ट करना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में। तो ये एक्सप्रेशन देखा था अभी कैसा कैसा होता है, तो ये बनेगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक, प्लस टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, फिर आ जाएगा प्लस थ्री अल्फा बीटा। अब मुझे सारे वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास टू, तो टू स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे फोर, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास फोर माइनस टू अल्फा बीटा यानी कि टू, तो कितना हो जाएगा ये एट बाय थ्री, अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास फोर बाय थ्री, ठीक है, प्लस टू अल्फा प्लस बीटा मेरे पास टू, अल्फा इंटू बीटा फोर इंटू थ्री ऊपर हो जाएगा प्लस थ्री अल्फा इंटू बीटा इंटू फोर बाय थ्री। तो यहां पे इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहां पे सोल्व करेंगे तो थ्री एलसीएम आएगा, तो ट्वेल्व माइनस एट कितना हो जाएगा मेरे पास फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सोल्व करने पे, ये हो जाएगा फोर ट्वेल्व माइनस एट फोर, फोर बाय थ्री यानी कि फोर अपॉन फोर। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास तो ये टू टू थ्री टू जै सिक्स, ठीक है, टू टू जै फोर फोर कैंसिल, सिंपली कितना बन गया मेरे पास थ्री, और यहां से हो जाएगा प्लस फोर, ठीक है। ये फोर कैंसिल, ये थ्री और थ्री कैंसिल, तो सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने मेरे पास आंसर जाएगा, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सलमा एक्सप्रेशन, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले इसको मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा और ये थी अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मेरे पास अब मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, सबकी वैल्यूज रखी, मैंने पूरा सोल्व किया, ठीक है, और सोल्व करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर, फोर बाय फोर कितना हो गया मेरे पास वन, तो सिंपली मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री यानी कि एट, ठीक।
ठीक है, ये क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर हैव जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k, ठीक, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मुझे रिलेशन दिया हुआ है α² + β² + α into β = 21/4, देन फाइंड द All possible values of k, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन α² + β² + α β = 21/4, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो यहां मुझे अल्फा एंड बीटा में रिलेशन दिया हुआ है और मुझसे क्या पूछा है कि इस के की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली हम तो हमारा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहां मेरे पास इक्वेशन है क्या, 2x² + 5x + k = 0, इसके रूट्स मुझे दिए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो क्या होता है मेरे पास -b/a, तो -b/a यानी कि -5/a कितना मेरे पास 2। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे पास c/a, तो यहां आएगा c/a, c कितना दिया है मुझे k और a कितना मेरे पास 2, ठीक है। ये अगर मेरे पास अब मुझे वैल्यू दी हुई है α² + β² + α β = कितना दिया है 21/4। अब यहां पर मैं चाहूंगा ये सारे एक्सप्रेशन किसमें जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो α² + β² क्या बनता है मेरे पास α + β² होल स्क्वायर - 2α β, ठीक है। और ये प्लस अल्फा बीटा एज इट इज लिखा हुआ = 21/4, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास α + β होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास -α β = 21/4, ठीक, यहां क्लियर होगा। अब यहां पर मुझे इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं α + β और α into β की, तो α + β कितना है मेरे पास -5/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास -5/2 होल स्क्वायर, फिर लिखा -α into β, α into β कितना मेरे पास k/2, तो -k/2 = कितना मेरे पास 21/4, तो कितना होगा 25/4, ठीक है। फिर हो जाएगा -k/2 = 21/4। अब मुझे k निकालना है तो 25/4 - 21/4 = k/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/4 = k/2, यानी कि ये हो गया मेरे पास 1, तो k = कितना हो गया मेरे पास 2, तो ये हो गया 1 = k/2, ठीक, 1 = k/2, तो k इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2, तो सिंपली मेरे पास k का आंसर कितना आ गया 2, ठीक। तो मुझे उसने k पूछा फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द k, तो k का आंसर कितना आ गया मेरे पास 2, यानी कि k की वैल्यू अगर 2 होती है तो मेरे पास ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हुआ, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और मेरे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, फाइंड द पॉलिनोमियल whose roots are 1 plus alpha upon beta and 1 plus beta upon alpha, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मुझे, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 2x plus 3, then find the polynomial whose roots are 1 upon अल्फा अपॉन बीटा एंड वन अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि मुझे बोला है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या मेरे पास, वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो इक्वेशन फॉर्म करनी है मुझे, ठीक है, तो सिंपली बात करते हैं सोल्यूशन की, ठीक, तो यहाँ पर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो यानी कि मुझे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3 is equal to 0, इसके रूट से मेरे पास अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो यहां से सिंपली मैं अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल सकता हूं, माइनस टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है मेरे पास, तो b कितना है मेरे पास 2, तो माइनस सिंपली क्या आएगा माइनस 2, ऐसे यहां से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालू तो वो होता है मेरे पास c अपॉन a, c कितना मेरे पास 3, दोनों चीजें आ चुकी है, ठीक, अब मुझे ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स क्या है ये एंड ये, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको p बोल देता हूं, मैंने क्या किया p इक्वल टू बोल दिया 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, और इसको बोल दिया मैंने q 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो यानी क्या मुझे अगर ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है मेरे पास p एंड q, तो वो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगी मेरे पास, तो वो बनेगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, ये इक्वेशन फॉर्म बनती है, ठीक है, पता है क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके रूट्स क्या था अल्फा बीटा, अभी हम मुझे क्या बोल रहे हैं रूट्स ये दोनों होने चाहिए, तो इसको मैंने p बोल दिया, इसको मैंने q बोल दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, ठीक है, तब मुझे कहीं से अगर p प्लस क्यू और p इंटू क्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो अब वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं p प्लस क्यू, ठीक, तो p क्या है मेरे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, और q क्या है मेरे पास 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 2, तो बना 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो मेरे पास यहां पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 एज इट इज, यहां पे एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहां मैंने अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लिया, तो ऊपर बनेगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अब वापिस से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके, तो क्या लिखना होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो बनेगा 2 प्लस यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अब मुझे सारी वैल्यूज पता है अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा इंटू बीटा पता है, तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना मेरे पास माइनस 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, तो यहां बनेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास 3, तो अपॉन 3, तो सिंपली हो जाएगा मेरे पास 2, 2 स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2, तो 2 माइनस 2 बाय 3 यानी कितना हो गया 3 टू 6 माइनस 2, ठीक है, तो कितना होगा मेरे पास 4 बाय 3, तो मेरे पास p प्लस टू कितना आ गया 4 बाय 3, अब मुझे क्या निकालना है p इंटू क्यू, ठीक,
तो मुझे निकालना p इंटू क्यू, तो p क्या है मेरे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, और q है मेरे पास 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब यहां पर दोनों ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने बनेगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये मल्टीप्लाई होके ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये यहां से ये कैंसिल, तो सिंपली मेरे पास पी इंटू क्यू जो बनेगा वो हो जाएगा वन प्लस, ये भी कितना हो गया कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास सिंपली क्या बन गया टू प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहां भी यही एक्सप्रेशन था मेरे पास सिंपली, तो सिंपली इसको भी सोल्व करने का आंसर क्या आएगा मेरे पास 4/3, ठीक है। एक क्लियर सबको किस तरीके से किया मैंने, देखो अब क्वेश्चन ये था, दोबारा देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, मेरे पास क्या पॉलीनोमियल थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके रूट्स क्या थे मेरे पास अल्फा एंड बीटा, फाइंड द पॉलीनोमियल होल रूट्स आर 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां मेरे पास इक्वालिटी थी, इसके रूट्स क्या थे मेरे पास अल्फा बीटा, तो यहां से मैंने अल्फा का बीटा निकाला माइनस बी अपॉन यानी कि माइनस टू, अल्फा एंड बीटा निकाला मैंने 3। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी, इसके रूट्स क्या मेरे पास ये दोनों, तो इसको मैंने p बोल दिया, इसको मैंने q बोल दिया। अब इक्वेशन क्या बन गई, इसमें मेरे पास रूट्स p और q है, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस p प्लस qx प्लस p इंटू q। अब मुझे कहीं से p प्लस q और p इंटू q मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो यहां से मैंने p प्लस q निकाला, p कितना मेरे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो यहां से ये बना 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा, यहां से मैंने एलसीएम लिया तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिखा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और सारी रीज मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है मुझे माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा पता है मुझे 3, तो सारी वैल्यूज मैंने पुट करने में सॉल्व करना कितना है मेरे पास 4/3, तो मेरे पास पी प्लस कितना आ गया 4/3। अब मैं निकाल रहा हूँ पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू यानी 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सिंपली बन जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा अपॉन बीटा अल्फा अपॉन बीटा बीटा अल्फा, तो मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 2, तो सिंपली बना 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड अल्फा अपॉन बीटा, तो सिंपली ये एक्सप्रेशन इसी के इक्वल है ना, तो सिंपली आंसर कितना आ रहा 4/3, तो यहां भी आंसर कितना रहेगा मेरे पास 4/3। अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि मुझे अब p प्लस q और p इंटू q यहां पर रखना है, तो यहां पर रख देते हैं, तो यहां मेरे पास बनेगा, ठीक, तो यहां वैल्यूज पुट करता हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी यहां से k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, p प्लस q कितना था मेरे पास 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू एक्स, ठीक, p इंटू क्यू, p इंटू कितना मेरे पास 4/3, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 3 एलसीएम लिया, उसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली क्या बन जाएगा ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजी कस्ट क्या हो जाएगा 0, जो एलसीएम जो था 3 उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली मेरे पास पॉलीनोमियल क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, तो ये मेरे पास पॉलीनोमियल, इसके रूट्स क्या मेरे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। क्या सबको क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने जो सिमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड थे, और बहुत से बार क्वेश्चन बोर्ड में आता भी इस टाइप का, ठीक है, पेपर देखना पीवियस रखे, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है इस टाइप का कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन, तो कुछ कुछ अननोन पूछ लेता है या फिर कुछ कुछ किसी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक। तो यहां तक क्लियर है, अब मैं दो तीन क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था एनसीईआरटी 2.1 एंड 2.2 करने के लिए, और शायद तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक डीबीपी नंबर 1 भी आई होगी, तो मेरे ख्याल से वो डीपीपी इजी थी, सब लोगों ने सोल्व कर ली होगी, कोई किसी ने डाउट्स कुछ पूछा नहीं है, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों ने उसको
सोल्व कर लिया होगा, जिसने सोल्व नहीं किए वो उसको सोल्व कर ले, ठीक है। खासकर एनसीईआरटी तो हर कोई सोल्व करे। 2.1 एंड 2.2 मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, ठीक है। नहीं करोगे तो तुम्हारा पढ़ना और नहीं पढ़ना बिल्कुल बराबर है। अब मैं तुम्हें कुछ दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, वो ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, और मेरे पास पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12, ठीक है। तो मुझे गिवन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो इज 12। तो मुझे इसके क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। मुझे क्या गिवन है, इन्हीं दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है मुझे, 12 दिया होगा। तो मुझे बाकी इसके रूट्स निकालने। अब मेरे पास क्या है, क्यूबिक, तो कितने रूट्स आएंगे मेरे पास, 3 रूट्स आएंगे, तो मुझे 3 रूट्स निकालने, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन करना है, और देता हूं मैं थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी होमवर्क है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, देन फाइंड द पॉलीनोमियल हूज रूट्स आर 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द पॉलीनोमियल हूज रूट्स आर 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अल्फा एंड बीटा मेरे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, तो मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन क्वेश्चन करने में मजा आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी इन द रेशियो m is to n, then choose correct option, ठीक है। मुझे बोला इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी इन द रेशियो एम इज टू एन देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन गिवन है मेरे पास बी स्क्वायर एम एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इन टू एस सी। बी ऑप्शन लिखा हुआ है एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एम एन, ठीक। ऑप्शन सी लिखा हुआ मेरे पास बी स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ठीक है इज इक्वल्स टू एम एन एस सी एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ मेरे पास नन ऑफ दिस ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क है, इन तीनों के आंसर्स निकालने। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्यूबिक के रूट निकालने, मुझे गिवन क्या है उसके दो रूट्स का मल्टीपल कितना दिया मुझे 12। सेकंड मुझे बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म में इसके रूट्स क्या है मेरे पास 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। थर्ड में मुझे बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं किस रेशियो में दिए हैं, m टू m रेशियो में। तो देखना है कि इनमें से चारों में से मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों क्वेश्चंस हैं, करने में मजा आएगा, थोड़ा मेहनत लगेगी बट क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा ठीक है। इन तीनों के जिनके भी आंसर सजा है, किसी का भी इन तीनों के अगर आंसर जाए तो कमेंट सेक्शन में सब अपना आंसर लिखना कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड क्या होगा एंड थर्ड का कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी सी डी ठीक है। तो डायरेक्टली इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना ठीक है। और बाकी मैंने डीपीपी नंबर 1 सबको दी थी, डीपीपीज मैं देता रहूंगा, सबको सोल्व भी करनी है, ऐसा नहीं कि सोल्व ना करो ठीक है। आज भी एक डीपीपी दूंगा मैं, डीपीपी नंबर 2 उसको भी सोल्व करना है सबको ठीक है। बाकी एनसीईआरटी 2.1 2.2 सब कर ही चुके होंगे, जिसने नहीं किए वो कर ले क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे और होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी का ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। इसको ट्राई करने से पहले पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेना जो मैंने आज सिमेट्रिक फंक्शन की पूरी थ्योरी पढ़ाई है, क्योंकि उसी में बेस्ड थोड़े क्वेश्चन है ठीक। तो यहां तक रहेगा, क्वेश्चन तो ट्राई करना, उनके जो आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।